हेलो एंड गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे सेमिस्टर वन का चैप्टर नंबर 7। लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हमने दिवाली के बिफोर चैप्टर नंबर 6 तक कंप्लीट किया था। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली एंड हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर फैमिली। आई होप आप लोगों ने दिवाली अच्छे से इंजॉय की होगी। इस दिवाली और न्यू ईयर पर आप एक न्यू थॉट्स लाओ और स्टडी में और हेल्दी वेल्दी रहो। गुड्स और न्यूट्रिशंस फूड्स को ईट करो, ठीक है। नाउ टुडे आई विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 7 इन योर टेक्स्ट बुक। सो ओपन योर चैप्टर नंबर 7। See the chapter number 7, Riya's train got late। जो रिया की ट्रेन थी वो क्या हो चुकी है, लेट हो चुकी है। ओके, यहाँ पे 29 मई दिया है, डेट दी है, एंड 5 o'clock का टाइम आपको क्लॉक में दिया है। नाउ आई विल एक्सप्लेन सम पैराग्राफ हियर। आई वॉकअप, वॉकअप मीन्स उठना, जागना, गेट अप होना, ठीक है, यानी मैं उठ चुकी हूँ। अवर ट्रेन हाल्टेड एट सम प्लेटफॉर्म, और हमारी ट्रेन कुछ प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है और खड़ी है। आई सेड, और मैं वहाँ पे बैठी हूँ। एंड लुक एट आउटसाइड, और मैं बाहर की तरफ देख रही हूँ। लुक एट मीन्स देखना, आउटसाइड मीन्स बाहर की तरफ। फ्रॉम द विंडो, यानी हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर हेल्डेड हुई है, खड़ी हुई है, और मैं बैठी हूँ उस ट्रेन के अंदर और विंडो से बाहर की तरफ देख रही हूँ। ऐसा कौन कह रहा है, रिया कह रही है। देयर वॉज अ क्लॉक हैंगिंग ऑन द वॉल, और एक दीवार पर क्लॉक हैंगिंग है, मीन्स लटकी हुई है। एक घड़ी क्लॉक दीवार पर हैंगिंग की हुई है। इट वॉज 5 o'clock इन द मॉर्निंग, और उसमें 5 बज रहे हैं, ठीक है, 5 o'clock का टाइम हो चुका है, 5 बज गए हैं। बिसाइड्स, और दूसरी तरफ, ऑन द पिलर वडोदरा जंक्शन, और दूसरी तरफ एक वडोदरा जंक्शन का पिलर है, वॉज रिटन इन द सर्कल बॉर्डर, जिसको एक सर्कल बॉर्डर्स में लिखा हुआ है, यानी स्टेशंस के ऊपर दूसरी साइड्स में वडोदरा का जंक्शन यानी वडोदरा स्टेशन का नेम लिखा है, जो सर्कल में लिखा हुआ है बोर्ड्स के ऊपर। माई ब्रदर वॉज स्टील स्लीपिंग, मेरा जो ब्रदर है वो अभी भी स्लीपिंग है, यानी अभी भी सोया है, अभी भी सोया हुआ था। देयर वॉज अ इंस्ट्रक्शंस ऑन माइक, यानी माइक में कुछ इंस्ट्रक्शन हुआ था, दैट द ट्रेन रनिंग, के ट्रेन चल पड़ी है, रनिंग हो चुकी है, बिटवीन वडोदरा सूरत वलसाड वापी मुंबई विल बी 2 hours लेट, यानी माइक में स्टेशंस पर माइक में ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया था, ऐसी जानकारी दी जा रही थी माइक के अंदर कि ट्रेन रनिंग हो चुकी है वडोदरा सूरत वलसाड और वापी के बीच, वापी मुंबई के बीच में, जो 2 घंटे लेट है, 2 hours लेट है। फादर सेड, मेरे फादर ने कहा, ब्रश योर टीथ, तुम अपने टीथ को ब्रश करो। मीन वाइल आई एम गेटिंग टी फॉर यू, जब तक कि मैं तुम्हारे लिए टी लाता हूँ। वी कंप्लीटेड ऑल मॉर्निंग एक्टिविटी, हमने हमारी सारी मॉर्निंग की एक्टिविटीज कंप्लीट की, पूरी की। एट दैट टाइम्स, उसी टाइम पर फादर कैम, उसी टाइम पर हमारे फादर आते हैं विद टी, टी के साथ। एंड मदर टुक आउट थेपला, और मेरे मदर ने क्या दिए, हमको थेपले दिए, खाकरा दिए, एंड बिस्किट फॉर ब्रेकफास्ट, यानी मॉर्निंग की जो भी एक्टिविटी थी इनके ब्रेकफास्ट की वो उन्होंने कंप्लीट की, ठीक है, टी के साथ। तो मॉर्निंग में उन्होंने कुछ ब्रेकफास्ट लिया, थेपला ब्रेकफास्ट, थेपले में खाकरा बिस्किट्स टी, ये ब्रेकफास्ट किया। वैन वी कंप्लीटेड अवर ब्रेकफास्ट, इट वॉज डे टाइम, जब
ये ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका था, नाश्ता कंप्लीट हो चुका था डे के टाइम में। स्टील देयर वॉज टाइम फॉर द ट्रेन टू स्टार्ट, जब तक कि ट्रेन भी स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट होने वाली थी। फादर सेड, मेरे फादर ने कहा था, कम आओ आई विल शो यू द फैसिलिटी ऑफ द रेलवे स्टेशंस, आओ मैं तुम्हें बताऊंगा कि रेलवे स्टेशंस पर कौन कौन सी फैसिलिटीज़ होती है, कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं। ठीक है, माई ब्रदर एंड आई गॉट ऑफ फ्रॉम द ट्रेन, मैं और मेरे ब्रदर ट्रेन पर उतर चुके। फादर शो अस द फैसिलिटीज लाइक, यानी मेरे फादर ट्रेन के स्टेशन यानी जहाँ पे ट्रेन खड़ी होती है वहाँ पे स्टेशन पर कौन कौन सी सुविधा होती है वो हमें बता रहे थे, दिखा रहे थे, शो मीन्स दिखा रहे थे। ठीक है, तो फादर शो अस यानी हमें वो दिखा रहे थे कि ट्रेन में कौन कौन सी फैसिलिटीज होती, स्टेशन पर कौन कौन सी फैसिलिटीज होती है। फैसिलिटी लाइक टिकट विंडो, एक टिकट विंडो होता है जहाँ पे टिकट मिलती है। टिकट चेकर्स रूम्स, टिकट को चेक करने के लिए एक रूम्स बनाया होता है। वेटिंग रूम्स बनाए होते हैं। पार्सल रूम्स बनाए होते हैं। टॉयलेट, बाथरूम्स, फैसिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर्स, तो ये आपके वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर्स में आएगा कि ट्रेन जहाँ पे स्टेशंस होता है उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है। तो टिकट विंडो होता है, टिकट चेकर रूम होता है, वेटिंग रूम होता है, पार्सल रूम होता है, टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटी होती है, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होती है, फिर स्टेशंस में कैंटीन होते हैं। ठीक है, तो ये ऑन द प्लेटफॉर्म यानी प्लेटफॉर्म के अंदर सारी फैसिलिटी होती है जो हमारे जो हमें हमारे फादर ने शो की दिखाई। वी सॉ मैनी ट्रेन एट द स्टेशंस, हमने देखा था कि स्टेशन पर बहुत सारी ट्रेन हैं। ठीक है, फ्रॉम द ब्रिज यानी ब्रिज के विच वॉज यूज फॉर क्रॉसिंग वन प्लेटफॉर्म टू अनदर, यानी हमने बहुत सारी ट्रेन स्टेशन पर बहुत सारी ट्रेन देखी थी जो ब्रिज के उस पार थी, क्रॉस करके जाओ प्लेटफॉर्म के उस तरफ थी, दूसरी तरफ थी। वी सॉ द रेलवे स्टाफ प्योरिंग वाटर फ्रॉम कैरेज, यानी हमने रेलवे स्टेशन पर कुछ ऐसे स्टाफ देखे जो वाटर्स को जहाँ पे वाटर्स और कैरेज भी रखे जाते थे, और उस स्टाफ ऐसा देखा जहाँ पे वाटर प्योरीफाई वाटर मिलता था। एंड क्लीनिंग द ट्रेन्स, जो स्टाफ्स होते हैं वगैरह वो क्या करते हैं, ट्रेन्स को क्लीन कर रहे थे। ठीक है, प्योर वाटर से ट्रेन को क्लीन कर रहे थे। सम स्वीपर्स यानी कुछ जो कचरे पोते करने वाले थे, जो सफाई कर्मचारी होते हैं उन्हें स्वीपर्स कहते हैं। कुछ स्वीपर्स थे, सम स्वीपर्स वी आर क्लीनिंग द रेलवे ट्रैक्स, कुछ ऐसे सफाई कर्मचारी थे जो रेलवे ट्रैक्स ये होती है जो पटरियां होती है ट्रेन की, उसे हम रेलवे ट्रैक्स कहते हैं। ठीक है, तो कुछ स्वीपर्स क्या कर रहे थे, रेलवे ट्रैक्स को क्लीन कर रहे थे। वी हैड नो आइडिया हाउ टाइम फ्लू डूरिंग अवर विजिट द स्टेशन, हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम यहाँ पर कितनी समय तक विजिट करेंगे, इस स्टेशन पर कितनी समय तक हम इसकी मुलाकात लेंगे। ठीक है, हमें कोई आइडिया नहीं था। वी हैड नो आइडिया हाउ टाइम फ्लू डूरिंग अवर विजिट द स्टेशन। I came to know more about railway facility. हम यहाँ आए थे बहुत सारी जानकारी लेने के लिए रेलवे फैसिलिटीज के बारे में। I needed it was enjoyable. हमें ये सब जानकारी लेने में बहुत ही मज़ा आ रहा था और हम बहुत ही enjoy कर रहे थे। I took a photographs, हमने कुछ photographs लिए थे एंड वीडियोस लिए थे ऑफ सम फैसिलिटी फ्रॉम माय फादर्स मोबाइल्स, यानी रिया बता रही है कि जब हमने स्टेशंस की विजिट की थी और वहाँ पे जो जो फैसिलिटीज देखी थी उसके हमने हमारे मोबाइल्स में फोटोग्राफ्स और वीडियो लिए थे हमारे फादर्स के मोबाइल्स में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट वन यहाँ तक ही रखती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम पार्ट टू के साथ।
ओके, नाउ टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय, स्टे एट योर होम्स एंड बी हेल्दी.